तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे किडनी के बारे में, है ना। किडनी के बारे में मैंने आपको पहले भी कुछ बताया था, सारे का सारा स्ट्रक्चर बताया था, लेकिन अब हम किडनी के अंदर पढ़ेंगे। मैंने आपको ये बताया था कि किडनी का जो बाहर वाला पोर्शन होता है उसको क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स, और जो अंदर वाला पोर्शन होता है जिसमें ये पिरामिड्स आते हैं, ठीक है ना, जिसमें ये पिरामिड्स आते हैं उस पोर्शन को क्या कहते हैं, मेड्यूला। क्या कहते हैं? मेडुला मेड्यूला। तो ये वाले पिरामिड्स को अपन मेड्यूलरी पिरामिड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मेड्यूलरी पिरामिड्स कहते मेड हैं। ठीक है, चलो अब सुनना। इसमें हम क्या देखेंगे? इसमें हम देखेंगे आपका, मैंने आपको बताया था इन मेड्यूलरी पिरामिड्स के अंदर क्या होते हैं, आपके नेफ्रॉन्स रहते हैं। क्या रहते हैं? नेफ्रॉन्स रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मान के चलो, इस तरीके से नेफ्रॉन्स रहेंगे, ठीक है, और ये जो है यहाँ पे खुलेंगे, इस तरीके से नेफ्रॉन्स रहेंगे और ये कलेक्टिंग डक्ट यहाँ पर खुलेगी, ठीक है ना। इस तरीके से नेफ्रॉन्स रहेंगे और कलेक्टिंग डक्ट यहाँ पर खुलेगी, आई बात समझ में। तो इस तरीके से क्या रहेंगे? नेफ्रॉन्स रहेंगे। क्या रहेंगे? नेफ्रॉन्स, और ये कलेक्ट करके यहाँ पर यूरिन इधर डालेंगे, ठीक है। इधर किधर किधर डालेंगे? रीनल पेल्विस में, ठीक है। ये क्या है? रीनल पेल्विस। ये क्या है? रीनल पेल्विस है, ठीक है ना। आ रही बात समझ में? तो ये बात ध्यान में रखना। ये क्या है, मैं ब्लैक ब्लैक जो बनाया, ये क्या है? ये है नेफ्रॉन्स। ये क्या है? नेफ्रॉन्स है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। ये नेफ्रॉन्स है, और नेफ्रॉन्स की अगर मैं बात करूं तो ये कहाँ पर खुल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर किस में प्रेजेंट है नेफ्रॉन्स? तो आप बोलोगे इन ट्रेंगुलर पिरामिड्स के अंदर। किसके अंदर प्रेजेंट है? ट्रेंगुलर पिरामिड्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? नेफ्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। चलो अब एक बात और देखो, आप आपको यहां पर देखो, ये आपको क्या दिख रही है यहां पर? ये आपको क्या दिख रही है? रीनल आर्टरी। क्या है ये? रीनल आर्टरी। मैंने आपको क्या बताया था, याद करो भाई, किडनी है, किडनी के अंदर जो भी चीज जा रही होगी वो रीनल कहेंगे उसको। क्या कहेंगे? रीनल कहेंगे, ठीक है। रीनल के अंदर ये जो आर्टरी जा रही है उसको क्या कहेंगे? रीनल आर्टरी। क्या कहेंगे? रीनल आर्टरी उसको कहेंगे, है ना। तो ये रीनल आर्टरी की क्या निकल रही है? ब्रांचेस निकल रही है। क्या निकल रही है? ये ब्रांचेस निकल रही है। किसकी? रीनल आर्टरी की। किसकी? रीनल आर्टरी की। बहुत सारी, ढेर सारी ब्रांचेस निकल रही है, ठीक है। तो अब ये रीनल आर्टरी की बहुत सारी ब्रांचेस निकली, इधर 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 बहुत सारी इस तरीके से ब्रांचेस निकल रही है, और ये ब्रांचेस कहाँ जा रही है? रीनल आर्टरी की ब्रांचेस कहाँ जा रही है? देखो जरा, चेक करो, ये गई यहां से रीनल आर्टरी की ब्रांच ब्रांच ब्रांच, ये ब्रांच हो गई, ब्रांच हो गई, ये कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है? ये मेड्यूलरी पिरामिड्स के अंदर। कहाँ जा रही है ये ब्रांच? मेड्यूलरी पिरामिड्स के अंदर जा रही है। देखो जा रही है ये मेड्यूलरी पिरामिड्स के अंदर। तो ये क्या जाती है? ये ब्रांच जाती है। क्या जा रही है? ये ब्रांच जा रही है। देखो इसको भी देखो, तो ये सारी की सारी कहाँ जाएंगी? ये रीनल पिरामिड्स के अंदर ये चली जाएंगी। आ रही बात समझ में? तो ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। अब ये किसके पास जा रही है रीनल पिरामिड्स में? नेफ्रॉन्स के पास। कहाँ जा रही है ये? नेफ्रॉन्स के पास ये जा रही है, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो ये आपको जो दिख रहा है ये क्या है? ये मेड्यूलरी पिरामिड है, और मेड्यूलरी पिरामिड के अंदर मैंने आपको क्या बताया? ये क्या है? क्या है ये वाले? क्या ये नेफ्रॉन्स है? क्या ये नेफ्रॉन्स है? चलो अब सुनना, ये जो नेफ्रॉन्स है, ठीक है, बहुत सारे नेफ्रॉन्स रहते हैं किसके अंदर? इस पिरामिड्स के अंदर, ठीक है। तो हम जो है नेफ्रॉन्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है, नेफ्रॉन्स को अगर आप गौर से देखोगे, है ना, तो इस तरीके का आपको नेफ्रॉन्स दिखेगा, है ना। इस तरीके का आपको नेफ्रॉन दिखेगा, है ना, दिख रहा है पूरा का पूरा ढंग से, है ना। तो इस तरीके का आपको नेफ्रॉन दिखेगा पूरा का पूरा, और यहां पर आपको स्टार्टिंग में देखो, यहां पर लाल लाल दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है सभी को? ये लाल लाल दिख रहा है, नेफ्रॉन के अंदर जा रहा है कुछ, यानी कोई आर्टरी वगैरह जा रही है। क्या जा रही है? कोई आर्टरी वगैरह जा रही है। देखो मैंने आपको ये बात बताई थी कि ये जो रीनल आर्टरी है, क्या ये रीनल आर्टरी की बहुत सारी ब्रांचे हो गई हैं? क्या हो गई? रीनल आर्टरी की बहुत सारी ब्रांचे हो गई हैं, ठीक है। और ये रीनल आर्टरी किस में टूट चुकी है? ये, ठीक है, इसमें से एक ब्रांच को कहेंगे एफरेंट आर्टरियोल। क्या कहेंगे इसको? एफरेंट आर्टरियोल। किस क्या कहेंगे? एफरेंट आर्टरियोल। ये क्या है? आर्टरी। सुनो एक बात ध्यान रखना, जो मैं आपको बता रहा हूं हमेशा याद रखना, ठीक है। क्या बताया मैंने आपको? सुनना, ये जो आर्टरी होती है ना, जो आर्टरी होती है वो किस में टूटती है? आर्टरियोल में टूटती है। आर्टरी किस में टूटती है?
आर्टेरियोल में जो है ब्रांच देती है अपनी, है ना, और आर्टेरियोल किसमें टूटती है, कैपिलरीज में, किसमें, कैपिलरीज में, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है, क्लियर है। तो आर्टरी किसमें टूटेगी, सबसे बड़ी जो चीज होगी वो होगी आर्टरी, आर्टरी जो होगी मोटी होगी, आर्टरी क्या होगी, मोटी होगी, ये बात ध्यान में रखना, ये आर्टरी मोटी है ना, और जब ये आर्टरी जो है छोटी छोटी ब्रांचेस देगी, ठीक है, क्या देगी, ये ब्रांचेस देगी, उसे अपन क्या कहेंगे, आर्टेरियोल कहेंगे, क्या कहेंगे, आर्टेरियोल, और फिर ये जो आर्टेरियोल है वो छोटी छोटी और ब्रांचेस देगी, ठीक है, पतली पतली और ब्रांचेस देंगी, ठीक है, इस तरीके से बहुत सारी छोटी छोटी और ब्रांचेस देंगी, ठीक है, इनको अपन क्या कहेंगे, कैपिलरी, क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। तो आर्टरी की ब्रांच आर्टेरियोल और आर्टरी की आर्टेरियोल की ब्रांच कैपिलरी, सीधी बात, क्लियर बात, ठीक है, आगे बात समझ में, ये चलो अब देखना, देखो इसमें आपको क्या दिख रहा है, इसमें अपन को क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है अपन को सबसे पहले, ये क्या है, ये कैप्सूल जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, दिख रहा है, इस तरीके का कैप्सूल जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है, इस तरीके से कैप्सूल जैसा स्ट्रक्चर है, इसको अपन क्या कहते हैं, इसको अपन क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बोमेंस कैप्सूल, क्या कहते हैं, बोमेंस कैप्सूल। तो ये क्या है, बोमेन कैप्सूल है, ये क्या है बेटा, ये बोमेंस कैप्सूल है ये, ठीक है, तो ये कप जैसा है, किसके जैसा है, ये कप शेप्ड है, ये कप शेप का है ये बोमेंस कैप्सूल, और इसके अंदर अगर आप देखोगे, मैंने आपको बताया था रीनल आर्टरी जो होती है, रीनल आर्टरी जो है वो आई और उसने बहुत सारी ब्रांचे दी, क्या दी, ब्रांचे, क्या, कौन सी ब्रांच दी उसने, एफरेंट आर्टेरियोल, याद है, क्या दी उसने ब्रांच, एफरेंट आर्टेरियोल, ये एफरेंट आर्टेरियोल किसमें चली गई, नेफ्रॉन्स में, किसमें चली गई, ये नेफ्रॉन है ना, ये एक तो नेफ्रॉन में घुस गई, कौन, एफरेंट आर्टेरियोल, आपसे पूछा जाएगा, बताओ भाई ये नेफ्रॉन है, हाँ सर ये नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन में रीनल आर्टरी डायरेक्ट चली गई या उसकी ब्रांच गई, तो आप क्या बोलोगे, सर ब्रांच गई, ब्रांच का नाम क्या है, एफरेंट आर्टेरियोल, ब्रांच का नाम क्या है, एफरेंट आर्टेरियोल, ये अंदर चली गई, ठीक है सर चली गई, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद उस एफरेंट आर्टेरियोल ने ब्रांचे दी, एफरेंट आर्टेरियोल ने क्या दी, ब्रांचे, उसको अपन क्या कहेंगे, याद करो आर्टरी जो होती है, आर्टरी की ब्रांच को अपन ने क्या बोला था, आर्टरी की ब्रांच को आर्टेरियोल बोला था, और आर्टेरियोल की ब्रांच को क्या बोला था अपन ने, कैपिलरीज, तो ये कैपिलरीज दिए, क्या दिए, ये तो एक कैपिलरीज का गुच्छा दिया है, क्या दिया है, गुच्छा, गुच्छा दिख रहा है अपन को, तो ये गुच्छा दिया है, इसको कहते हैं ग्लोमेरुलस, क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस, तो ये गुच्छे को कहते हैं टफ्ट, क्या कहते हैं, टफ्ट, तो ऐसे टफ्ट कहते हैं, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, क्या कहते हैं, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज कहते हैं, जिसका नाम क्या होता है, ग्लोमेरुलस, क्या कहते हैं इसे, और ये जो आपको पिंक पिंक दिख रहा है, ये पिंक पिंक दिख रहा है, इसको क्या कहते हैं अपन, बोमेंस कैप्सूल, ये जो पिंक पिंक दिख रहा है इसको अपन क्या कहते हैं, बोमेंस कैप्सूल, ये बोमेंस कैप्सूल है ये, और ये जो बोमेंस कैप्सूल है उसके अंदर क्या आई है, कौन सी आर्टेरियोल आई है, एफरेंट आर्टेरियोल, और ये आर्टेरियोल ने क्या दी है, बहुत सारी ब्रांचेस दी है, किसकी, कैपिलरीज की, किसकी, कैपिलरीज की, ठीक है, कैपिलरीज की ब्रांचे दी हुई है, और फिर उसके बाद ये कैपिलरीज से दोबारा ये ब्रांच जोड़ जोड़ करके एक उसने कौन सी बनाई है, आर्टेरियोल बनाई, कौन सी है, ये एफरेंट, ए वाली आएगी ई वाली जाएगी, बोलो जरा मेरे साथ, ए वाली आएगी ई वाली जाएगी, ए वाली आर्टेरियोल आएगी, ए वाली यानी एफरेंट आर्टेरियोल आएगी, और जो है गुच्छा बना करके कैपिलरीज का ई वाली आर्टेरियोल जाएगी, कौन सी वाली आर्टेरियोल जाएगी, ई वाली आर्टेरियोल जो होगी जाएगी, एफरेंट आएगी, एफरेंट जाएगी, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है, एफरेंट आर्टेरियोल जाएगी, तो ये इतना बात अपन ने समझ ली, ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना, अपन को दो चीजें दिखी सर, एक तो ये पिंक कलर का पिंकी पिंकी जो है कप जैसा लगा हुआ है, कप जैसा स्ट्रक्चर है सर, ऐसा लग रहा है जैसे एक पिंक कलर का कप है उसके अंदर येलो कलर की मैंने नूडल्स डाल रखी हो, ऐसा लग रहा है कि पिंक कलर का कप है, उस कप को कहते हैं बोमेंस कैप्सूल, ठीक है सर, और ये जो है येलो कलर की नूडल्स डाल रखी है, ये नूडल्स को अपन क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस, क्या कहते हैं, ये कुछ नहीं है, गुच्छा है, क्या है, ग्लोमेरुलस गुच्छा है, टफ्ट यानी गुच्छा, किसका गुच्छा, कैपिलरीज का गुच्छा, किसका गुच्छा है, ये कैपिलरीज का गुच्छा है, बस सीधी बात है ना, ठीक है सर, ये बात तो समझ में आ गई। अच्छा एक बात और बताइए, इसमें हमने दो चीजें आपने दिखाई, कितनी चीजें दिखाई,
दो चीजें दिखाई। एक तो सर आपने हमें, एक तो ये बताया आपने, एक तो ये वाला बताया आपने कप, इसको बोमेंस कैप्सूल कहा, ठीक है, इसको अपन ने बोमेंस कैप्सूल कहा, और दूसरा आपने ये नूडल्स बताई, ठीक है, इसे जो है पक करके रेडी हो चुकी है, नूडल्स हरी हो गई है, ठीक है, तो इसको अपन ने क्या बोला था, ग्लोमेरुलस, क्या कहा था इसको, नूडल्स को, ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल को दोनों मिला करके क्या कहते हैं, मेलफीजियन बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ग्लोमेरुलस कप प्लस नूडल्स इक्वल्स टू मेलफीजियन बॉडी, बोमेंस कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस इक्वल्स टू मेलफीजियन बॉडी, ये बात ध्यान में रखना। तो इसमें कप आ गया, कप कौन सा है, बोमेंस कैप्सूल, और ग्लोमेरुलस आ गई, दोनों मिलाकर के क्या कहेंगे, मेलफीजियन बॉडी या फिर रीनल कैप्सूल। ग्लोमेरुलस प्लस बोमेंस कैप्सूल इक्वल्स टू मेलफीजियन बॉडी प्लस और रीनल कैप्सूल। मेलफीजियन बॉडी का दूसरा नाम रीनल कॉर्पसल्स, क्या कहेंगे इसे, रीनल कॉर्पसल्स, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। मेलफीजियन बॉडी को ही अपन क्या कहेंगे, रीनल कॉर्पसल्स कहेंगे, ठीक है। ग्लोमेरुलस और बाकी देखो अब इधर देखो, सुनो, ये जो है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है पूरा का पूरा, है ना, अगर आप इसको देखोगे तो सर कुछ नहीं है, सर ट्यूब ही ट्यूब है और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ ट्यूब ही ट्यूब है, लहराते हुए ट्यूब है और कुछ नहीं है, है ना। तो सबसे पहले अपन ने ये याद होगा, सबसे पहले ये वाला पोर्शन पढ़ लिया अपन ने, ठीक है, ये फूला फूला, ठीक है, पोर्शन अपन ने ये पढ़ लिया, ठीक है। अब उसके बाद हम ये ट्यूब्स पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ये ट्यूब्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक तो आपको ये ट्यूब दिख रहा होगा मुड़ा हुआ, ठीक है, ये वाला आपको, ये वाली पूरी की पूरी बॉडी को अपन क्या कह रहे थे, मेलफीजियन बॉडी, क्या कह रहे थे इसको, मेलफीजियन बॉडी पूरी की पूरी, ये मेलफीजियन बॉडी जो थी, पूरी की पूरी मेलफीजियन बॉडी जो थी, ये जो है किससे जुड़ गई, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से जाकर के जुड़ गई है, किससे जाके ट्यूब जुड़ चुकी है सर, इसका नाम जो है, हम जो है सांप रख देते, इतना बड़ा नाम क्यों रख दिया, है ना, सांप वाप रख देते कुछ भी, इसका नाम ये क्यों रख दिया। देखो सबसे पहले आई है ये ट्यूब, सबसे पहले ये ट्यूब आई है, इसलिए इसका नाम रखा प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल मतलब पहला, फर्स्ट पार्ट, प्रॉक्सिमल मतलब क्या होता है, फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो सबसे पहले ये ट्यूब आई तो प्रॉक्सिमल, ठीक है। अब ये वाली सबसे, ये वाली जो ट्यूब है, ये वाली बाद में आई, ये वाली ट्यूब क्या है, बाद में आई, तो इसका नाम रख दिया डिस्टिल, क्या नाम रख दिया, डिस्टिल, जो पहले आएगी पी फॉर पहला, पी फॉर प्रॉक्सिमल, और जो बाद में आएगी डिस्टिल ट्यूब आएगी, कौन सी आएगी, एंड में कौन सी आएगी, डिस्टिल ट्यूब आएगी, लेट में, है ना, लास्ट में, है ना। तो ये क्या है, प्रॉक्सिमल ट्यूब है, ठीक है, इसको अपन कहते हैं पीटी, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल लिखा हुआ है, लेकिन अपन पूरा नाम याद रखेंगे, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, क्या कहेंगे इसे, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल का मतलब है फर्स्ट पार्ट, प्रॉक्सिमल मतलब का मतलब क्या है, फर्स्ट पार्ट, और फिर ऐसा पार्ट जो कि कैसा है, कर्व्ड है, कैसा है ये, कर्व के लिए कहते हैं कॉन्वोलेटेड, कर्व के लिए क्या कहते हैं, कॉन्वोलेटेड, कर्व के लिए कहते हैं कॉन्वोलेटेड, और ट्यूब्यूल है, ये ट्यूब है तो हो गया ट्यूब्यूल, क्या कह दिया उसको, ट्यूब्यूल, ठीक है, क्यों, क्योंकि इतना बड़ा पाइप तो है नहीं है जिसमें जो है पूरा समुद्र बह रहा हो, है ना, तो ट्यूब्यूल छोटा होता है, ट्यूब बड़ा होता है, ट्यूब्यूल क्या होता है, छोटा होता है, ये बात ध्यान में रखना, ट्यूब्यूल छोटा होता है, ठीक है। तो ये अपन ने, ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल हो गया। अभी बाद वाला जो ट्यूब्यूल है उसको क्या कहेंगे अपन, क्या कहेंगे, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, क्या कहेंगे, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ठीक है सर, इतना बड़ा नाम कौन बोलेगा। तो देखो प्रॉक्सिमल का पी उठा लो, कॉन्वोलेटेड का सी उठा लो, और ट्यूब्यूल का टी उठा लो, तो क्या कहेंगे उसे, पीसीटी, पीसीटी भी कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, पीसीटी, और पीछे वाले को, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल को डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। क्लियर है, समझ में आ गया, चलो अब सुनना, बीच में, ठीक है, कि अगर अपन ये देखेंगे पीसीटी से, पीसीटी जो है नीचे गिर रही है, और कितना नीचे गिरेगी, देख रहे हो कितना नीचे गिर गई है, क्या गिर गई है, नीचे गिर गई, ठीक है। तो ये बना दी इसने हेलेस लूप, क्या बना दी है बेटा, हेलेस लूप बना दी है, किसकी लूप है ये, हेले एक साइंटिस्ट था जिसने इसको खोजा था, उसी के नाम पर रख दी इस लूप, लूप दिख रही है, लूप, ये लूप कैसी दिख रही है आपको, मुड़ी हुई, तो लूप तो मुड़ी हुई होगी, सीधी थोड़ी होगी, ठीक है। आपको ये कैसी दिख रही है, हेयर पिन जैसी, लड़कियां जूड़े के, जूड़े में बाल बनाती है, जूड़े वाले बाल बनाती है, तो फिर तुमने देखा होगा ये हेयर पिन लगाती है, लगाती है कि नहीं लगाती, देखिए लड़कियां बहुत अच्छे से जानती होंगी उसको, है ना, तो इसे जूड़ा पिन भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, जूड़ा पिन कहते हैं या हेयर पिन कहते हैं, देखती है ऐसी, तो वो ऐसी होती है जूड़े पिन, है ना, आ रही बात समझ में,
तो ये बात ध्यान में रखना, ठीक है? अलर्ट होगा लड़के, है ना, नाम सुनते ही, है ना, जूड़ा पेन है ये, क्या है ये? जूड़ा पेन है, ठीक है। चलो अब ये जूड़ा पेन किस शेप की दिख रही है अपन को? यू शेप। किस शेप की दिख रही है ये? यू शेप दिख रही है, ठीक है सर। तो पीसीटी और डीसीटी के बीच में क्या है ये? यू शेप्ड। कौन सी शेप्ड? यू शेप्ड या हेयर पिन शेप्ड कह लो। एक लूप है जिसको अपन कहते हैं हेले लूप। हेले लूप की कितनी आपको वो दिख रही है, लिंब कितनी दिख रही है? कितनी लिंब या ट्यूब दिख रहे हैं आपको ये बताओ? दो ट्यूब दिख रहे हैं, एक जा रहा है नीचे और एक जा रहा है ऊपर की तरफ। एक जा रहा है नीचे, एक जा रहा है ऊपर की तरफ। तो इसे अपन कहेंगे, नीचे वाले को क्या कहेंगे? डिसेंडिंग। जो चीज नीचे जाती है उसको क्या कहते हैं? डिसेंडिंग। और फिर वापस जब चढ़ेंगे तो क्या हो जाएगी? वो असेंडिंग लिंब हो जाएगी। ये बात ध्यान में रखना, नीचे वाली को डिसेंडिंग, ऊपर वाली को असेंडिंग लिंब अपन कहेंगे, ठीक है? क्लियर है? ये असेंडिंग लिंब कहां से जाके जुड़ गई? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से। किससे जुड़ गई? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब या डीसीटी से जुड़ गई। अब ये डीसीटी से जुड़ने के बाद ये किससे जुड़ गई? ये कलेक्टिंग डक्ट से। किससे जुड़ गई है ये? कलेक्टिंग डक्ट से बहुत सारी ट्यूब जुड़ती है। कलेक्टिंग डक्ट से बहुत सारी कौन जुड़ती है? ये देखो, ये काय की ट्यूब है ये, बहुत सारी कह सकते हो डीसीटी जुड़ती है। बहुत सारे नेफ्रॉन्स की क्या जुड़ती है? डीसीटी जुड़ती है। जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं, ये कलेक्टिंग डक्ट है। क्या ये कलेक्टिंग डक्ट है ना? ये देखो, ये कलेक्टिंग डक्ट है। अब ये कलेक्टिंग डक्ट की अगर मैं बात करूं तो यहां पर एक नेफ्रॉन होगा। यहां पर क्या है ये? ये नेफ्रॉन है। ये मैंने क्या बना दिया? बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल से मैंने ये ट्यूब निकाला। पीसीटी क्या निकाला? पीसीटी निकाला। ठीक है, ये पीसीटी निकाल दिया कॉन्वोल्यूटेड। फिर पीसीटी के बाद ये बना दिया पूरा का पूरा लूप। इसे अपन ने क्या बोला था? हेनलेस लूप। उसके बाद क्या निकाल दिया? ये डीसीडी। क्या निकाल दिया? ये डीसीडी। और डीसीडी यहां पर आकर के जोड़ दिया। डीसीडी यहां पर आकर के जोड़ दिया। तो एक कलेक्टिंग डक्ट में, एक कलेक्टिंग डक्ट में एक से ज्यादा डीसीडी या एक से ज्यादा नेफ्रॉन्स आकर के जुड़ सकते हैं। बोलो भाई, कलेक्टिंग डक्ट में क्या होगा? एक से ज्यादा नेफ्रॉन्स आकर के जुड़ जाएंगे। कह सकते हो ये जो भी यूरिन बनेगी, वो यूरिन जो हैगी ऐसे जाएगी। यूरिन का पाथ देखो, ठीक है? यूरिन का पाथ देखो, यूरिन यहां से निकली, यूरिन यहां पर आएगी। यूरिन जो होगी एक्चुअल में क्या हुआ है? ये ब्लड वेसल है। क्या ये ब्लड वेसल है? तो ब्लड वेसल में से जो भी वेस्ट मटेरियल होगा, जो भी क्या होगा? वेस्ट मटेरियल होगा, वो छन छन करके, ठीक है, छन छन करके ये जो होगा, ठीक है, छन करके, समझ रहे हो? मतलब सब कुछ करके जो है फिल्टर हो करके, क्या हो करके? यहाँ पर नाचेगा नहीं, है ना, यहाँ पर फिल्टरिंग होगी। क्या होगी यहाँ पर? फिल्टरिंग होकर के जो भी प्रोटीन होंगे वो तो इसके अंदर रह जाएंगे। इस जो आपकी ट्यूब है ना, उसके अंदर बड़े बड़े प्रोटीन रह जाएंगे। लेकिन जो यूरिया होगा ना, वो यूरिया कहाँ जाएगा? छोटा सा होता है यूरिया मॉलिक्यूल। वो यूरिया का मॉलिक्यूल किस में आ जाएगा? पीसीटी में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? पीसीटी में। फिर पीसीटी से डिसेंडिंग लिंब से असेंडिंग लिंब, असेंडिंग लिंब से डीसीटी, डीसीटी से कलेक्टिंग डक्ट। तो पीसीटी से, ठीक है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से डिसेंडिंग, डिसेंडिंग से असेंडिंग, असेंडिंग से डिसेंडिंग, ठीक है, डिसेंडिंग से क्या होगा? ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से कलेक्टिंग डक्ट में आ जाएगा। क्लियर है? तो सारा का सारा यूरिन कलेक्ट हो रहा है किसमें? कलेक्टिंग डक्ट में। सारा का सारा यूरिया जो भी है, यूरिन है, वो सारा का सारा कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट होता जा रहा है। दूसरे का भी कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट हो रहा है, ठीक है। और बहुत सारे नेफ्रॉन्स का कलेक्ट किसमें कलेक्ट हो जाएगा? कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? ये आपको किडनी दिख रही है। क्या दिख रही है? ये किडनी दिख रही है। किडनी में आपको ये क्या है? क्या है ये? मेडुलरी पिरामिड्स। क्या है ये? ट्रायंगुलर शेप के क्या है ये? मेडुलरी पिरामिड्स है। इस मेडुलरी पिरामिड्स को मैंने पूरा का पूरा देखा, है ना। जब मैं मेडुलरी पिरामिड को देखूंगा तो मुझे ये देखना कि क्या होता है। इधर देखो, यहां पर आपको कॉर्टेक्स रीजन में, कहां पर? कॉर्टेक्स रीजन में आपको क्या दिख रहा है बताओ जरा? ये कॉर्टेक्स है, ये मेडुला है। क्या ये? अरे मैंने आपको बताया, ये वाला देखो, ये पूरा का पूरा मैंने ये हटाया, ठीक है। इधर देखना, ठीक है, इधर देखो, ये दिख रहा है, ये ट्रायंगल वाला पोर्शन दिख रहा है। इस ट्रायंगल वाले पोर्शन में आगे वाला पोर्शन क्या है? ये जो नीचे वाला पोर्शन है, ये क्या है? मेडुला। क्या है ये?
और ये वाला जो याला ट्रायंगल है ये क्या है? कॉर्टेक्स. कॉर्टेक्स तो ये कॉर्टेक्स है और नीचे क्या है? मेडुला. दिख रहा है ये? तो ये पूरा पूरा एक शेप बन गया इस तरीके का. देखा, तो ऊपर इधर क्या है? कॉर्टेक्स है और ये वाला क्या है? मेडुला है. ऊपर क्या होगा? कॉर्टेक्स होगा और नीचे क्या होगा? मेडुला. ये बात ध्यान में रखना. तो ये क्या है? ये बन गया ऊपर वाला कॉर्टेक्स, नीचे वाला मेडुला. अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि इनमें क्या रहते हैं, इनमें क्या रहता है? नेफ्रॉन्स रहते हैं. यहाँ पर क्या रहते हैं? नेफ्रॉन्स रहते हैं. ठीक है, तो नेफ्रॉन्स की अगर मैं बात करूं तो देखो ये है कलेक्टिंग डक्ट, ये क्या है? और यहाँ पर आपको दो नेफ्रॉन्स मिल रहे हैं. क्या मिल रहे हैं? ये दो सांप जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, दिख रहे हैं? तो ये दो नेफ्रॉन्स है ये. ठीक है, एक नहीं है, दो है. अगर मैं बात करूं तो नेफ्रॉन्स का ये जो ऊपर वाला पार्ट है, इसको अपन क्या कहते हैं? पूरे वाले को मेलफिजियन बॉडी. क्या कहते हैं इसको? मेलफिजियन बॉडी. ये मेलफिजियन बॉडी ऊपर है, ये भी मेलफिजियन बॉडी ऊपर है. ये पीसीटी है, क्या ये पीसीटी ऊपर है? यहाँ पर भी पीसीटी क्या है? ऊपर है. यहाँ पर जो डीसीटी है, डीसीटी भी ऊपर ही है कॉर्टेक्स वाले रीजन में. डीसीटी भी क्या है? ऊपर ही है कॉर्टेक्स वाले रीजन में. ठीक है, तो देखो बोमेंस कैप्सूल, ठीक है, या कहो मेलफिजियन बॉडी या कहो ग्लोमेरुला, सब कुछ ऊपर है. सब कुछ क्या है? ऊपर है कॉर्टेक्स रीजन में. बस नीचे देखो क्या क्या है. नीचे जो है एक तो यू शेप लूप ऑफ हेनले है मेडुला रीजन में, और क्या है? कलेक्टिंग डक्ट है. तो मेडुला रीजन में क्या है? एक तो कलेक्टिंग डक्ट है और लूप ऑफ हेनले है. बस बाकी सारी चीजें ऊपर है. बाकी सारी चीजें क्या है? ऊपर है. ये बात ध्यान में रखना. क्लियर है? तो आपसे कोई पूछे ग्लोमेरुलस ऊपर, मेलफिजियन बॉडी ऊपर, पीसीटी ऊपर, डीसीटी ऊपर, मैं भी ऊपर. ठीक है, अरे असल में ठीक है. तो ये क्या है? सारी की सारी चीजें क्या है? कॉर्टेक्स वाले ऊपर वाले रीजन में. ऊपर मतलब याद रखना कॉर्टेक्स, और नीचे क्या है? नीचे क्या है वाला? मेडुला वाला रीजन है. क्लियर है? चलो, तो ये आपको बड़ा जरूर. अब इधर देखना, अगर मैं बात करूं ये क्या चीज थी, ये छुपा हुआ क्या था? ये मेलफिजियन बॉडी. क्या थी ये? मेलफिजियन बॉडी है ना, याद है? तो अब मैंने आपको ये वाली चीज बताई थी, इसे क्या कहते हैं अपन? ये जो ब्लू कलर की जो ट्यूब दिख रही है, ये क्या कहते हैं? इसे अपन क्या कहते हैं? हेनलेस लूप. क्या कहते हैं? ये ब्लू वाली बॉडी को क्या कहते हैं? लूप ऑफ हेनले. क्या कहते हैं? लूप ऑफ हेनले. और इधर देखो, इधर देखना, आपको इस डायग्राम से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. ये देखो, ये क्या चीज थी? ये क्या चीज थी? बोमेंस कैप्सूल. ये क्या थी? बोमेंस कैप्सूल. ये क्या था? ये है आपका, ये लाल कलर का क्या है? ये ग्लोमेरुलस है ना. ये क्या है? ग्लोमेरुलस. ठीक है, ये क्या है? ये ब्लैक कलर का क्या है? ये बोमेंस कैप्सूल. क्या है ये? बोमेंस कैप्सूल. बोमेंस कैप्सूल. ठीक है, अच्छा ठीक है. और ये क्या था? ए वाली आर्टेरियोल थी. क्या थी ये? ए वाली आर्टेरियोल थी, एफेरेंट आर्टेरियोल. ठीक है, एफेरेंट आर्टेरियोल. और ये वाली कौन सी आर्टेरियोल थी? एफेरेंट आर्टेरियोल. ये क्या थी? एफेरेंट आर्टेरियोल. ठीक है, ये एफेरेंट आर्टेरियोल है. तो इसमें समझने की कोशिश करना, ये जो एफेरेंट आर्टेरियोल है ना, ये एफेरेंट आर्टेरियोल क्या करती है? निकलेगी और पूरे के पूरे चक्कर लगाएगी. क्या लगाएगी? पूरे के पूरे चक्कर लगाएगी. किसके चक्कर लगाएगी? ये निकल करके ई वाली जो आर्टेरियोल है, वो निकल करके पूरे के पूरे नेफ्रॉन के चक्कर लगाएगी. क्या लगाएगी? पूरे के पूरे नेफ्रॉन के क्या लगाएगी? चक्कर लगाएगी. ये बात ध्यान में रखना. ठीक है, इसको क्या कह रहे थे अपन? ये नेफ्रॉन के ये वाले पार्ट को पीसीटी, वाले को डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, इसको असेंडिंग लूप ऑफ हेनले. ठीक है, और ये क्या कहलाया जाता है? डीसीटी. और डीसीटी से क्या जुड़ गया? कलेक्टिंग डक्ट है ना. तो जो एफेरेंट आर्टेरियोल है, ये जो एफेरेंट आर्टेरियोल है, इसने किसके चक्कर लगाए? किसके लगाए? एक तो लगाए किसके? लूप ऑफ हेनले के. ये लूप ऑफ हेनले कहलाया जाता है ना, लूप ऑफ हेनले, या फिर कहो डीएलओएच, यानी डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले. ठीक है, तो इसके क्या लगाए? चक्कर लगाए. तो इसको कहेंगे वासा रेक्टा. इसको क्या कहेंगे? लिखा हुआ दिख रहा है? वासा रेक्टा. क्या है ये? वी ए एस ए, वासा रेक्टा. क्या है ये वाला? पूरा का पूरा पोर्शन वाला क्या कहलाया जाएगा?
वासा रेक्टा, वासा रेक्टा, क्लियर है? क्या ये वासा रेक्टा? वासा रेक्टा जो है एफरेंट आर्टिकल का वो पोर्शन है जो कि किसके चक्कर लगा रहा है, किसके लगा रहा है? लूप ऑफ हेनले के, किसके? लूप ऑफ हेनले के। और देखो इसने भी चक्कर लगाए, ये वाला जो एफरेंट आर्टिकल है, और किसके चक्कर लगाएगा? पीसीटी वगैरह के भी चक्कर लगाएगा, डीसीटी वगैरह के भी चक्कर लगाएगा, समझ रहे हो बात को? तो ये जो पीसीटी के चक्कर लगा रहा है इसको अपन क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। क्या कहेंगे इसे? पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। क्या कहेंगे इसे? पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। ठीक है, आई बात समझ में? क्यों? देखो मैंने तुम्हें बताया था आर्टेरियोल से क्या बनती है, कैपिलरीज बनती है। आर्टेरियोल से क्या बनती है? कैपिलरीज बनती है। कौन सी कैपिलरी है ये वाली? पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। कौन सी है ये? तो ये देखो ये आई, ये कौन सी आई? एफरेंट आर्टेरियोल। कौन सी है ये? ए ए, एफरेंट आर्टेरियोल, ए वाली आई। उसने जो है कैपिलरीज बनाई, उसका नाम रखा ग्लोमेरुलस। क्या नाम रखा? ग्लोमेरुलस। ये एफरेंट आर्टेरियोल गई, यानी क्या गई? एफरेंट आर्टेरियोल गई, और बहुत सारे उसने गुच्छे बनाए। क्या बनाए? कैपिलरी बनाई, बहुत सारी। क्या बनाए उसने? उसको अपन कहेंगे पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। ये एक दिख रही है, लेकिन आपके रियल डायग्राम में आपको बहुत सारी कैपिलरीज दिखेंगी। रियल डायग्राम में क्या दिखेंगी आपको? बहुत सारी कैपिलरीज आपको दिख जाएंगी। दिख रही है? दिख रही है बहुत सारी कैपिलरीज का गुच्छा बनाया हुआ है, दिख रहे हैं? तो इसको अपन क्या कहेंगे? पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। क्या कहेंगे इसे? पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है? तो ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज है। क्या ये? पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। ठीक है, अब ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज जब नीचे लूप ऑफ हेनले का चक्कर लगाने जाएगी, तो फिर उसी को क्या कहेंगे अपन? वासा रेक्टा। क्या कहेंगे उसी ट्यूब को? क्या कहते हैं? है वो ही, लेकिन नाम बदलते जा रहे हैं। जैसे तुम रोड एक ही होता है, आगे जाकर के नाम बदलते जाते हैं। महात्मा गांधी रोड, एमजी रोड, फिर एमजी रोड से जो है महाराणा प्रताप नगर, महाराणा प्रताप रोड हो जाता है। तो बस है एक ही, ये पूरा का पूरा ट्यूब है, ये है एक ही, लेकिन क्या है? नाम चेंज होते जा रहे हैं। ठीक है, नाम चेंज होते हैं। पहले एफरेंट आर्टेरियोल, फिर ग्लोमेरुलस, फिर एफरेंट आर्टेरियोल, फिर पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, फिर उसके बाद वासा रेक्टा। आई बात समझ में? तो जिस जिसके चक्कर लगाएगी उसी उसी के नाम से ये हो जाएंगे। ये पीसीटी के चक्कर लगाएगी तो पी वाला नाम रख दो, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, है ना? और जब वो फिर जो है लूप ऑफ हेनले का चक्कर लगाएगी तो उसका नाम क्या रख देंगे? वासा रेक्टा। क्लियर है? समझ में आ गई बात? समझना, ठीक है? तो ये बात ध्यान रखना, ये क्या है? एफरेंट आर्टेरियोल है। एफरेंट आर्टेरियोल से गुच्छे बनाया ग्लोमेरुलस, ठीक है? और उसके बाद पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, फिर पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के बाद क्या बना? वासा रेक्टा, है ना? तो ये चक्कर क्यों लगा रही है, इस बात को समझना, क्योंकि इसको कुछ मिलेगा। क्योंकि यहां से समझो ये ब्लड जा रहा है, ये क्या है? यहाँ पर ब्लड है। क्या ये ब्लड है? ये ब्लड है। ब्लड में क्या है? ग्रीन कलर का यूरिया है। क्या है ये? ग्रीन कलर का यूरिया है। अब ये जो यूरिया होगा वो इधर आ जाएगा, यूरिया आ जाएगा इधर, लेकिन साथ साथ पानी भी बहुत सारा इधर आ चुका है। बहुत सारा क्या आ चुका है? पानी भी इधर आ चुका है, इसमें भर चुका है बहुत सारा पानी, है ना? तो बहुत सारा पानी भी आ गया है। और अगर हमने जो है पानी को सारा का सारा हमने पानी जो है वेस्ट ही कर दिया, समझो सारा का सारा पानी यहाँ से निकल निकल करके कहाँ से, यहाँ से ये इधर चला जाएगा और सीधे बाहर निकल आएगा, समझो बात को? तो इसलिए हम क्या करते हैं कि यहाँ से चक्कर लगाएगी, ठीक है, कि जो निकल गया था वो दोबारा से उसको ले सके। यहाँ से जो पानी निकल गया था ना, अब ये पानी जो होगा वो इधर से इधर एब्जॉर्ब हो रहा है। पानी इधर से उधर क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब हो रहा है, हो रहा है? पानी से इधर से उधर क्या हो रहा है? सॉल्ट इधर से उधर क्या हो रहा है? एब्जॉर्ब हो गया। तो जो भी चीजें क्या होता है, भाव में बहुत सारी चीजें बह गई इसके अंदर, तो जो जो चीजें जो है इंपॉर्टेंट थी वो वापस से एब्जॉर्ब हो जाएंगी। वापस से क्या हो जाएंगी? एब्जॉर्ब हो जाएंगी। ये बात ध्यान में रख। आई बात समझ में? क्लियर है? अब जैसे सीधी सी बात है कि तुम जो है नदी किनारे जो है कुछ सामान फेंकने निकले, गंगा वाली रिवर्स है, तुम कुछ फेंकने निकले और तुम फेंकते फेंकते तुम्हारी कुछ इंपॉर्टेंट चीज भी जो है चली गई, तो तुम्हें फिर चक्कर लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? तो ऐसे ही जो है ये वाली जो ट्यूब्स है ये चक्कर लगा रही है। आई बात समझ में? क्लियर है? ठीक है, तो ऐसी क्या कर रही है ये वाली ट्यूब्स? क्या लगा रही है? चक्कर लगा रही है। ठीक है, एक क्वेश्चन आया, वो क्वेश्चन है एपीएमटी 2011 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ रीनल पिरामिड या फिर रीनल मेडुला। ठीक है, तो देखो मेडुला में क्या क्या चीजें नहीं आती, ठीक है, अपन को ये याद है, बताओ।
मुझे बताओ कॉर्टेक्स में, कॉर्टेक्स में सब कुछ आ रहा था, कॉर्टेक्स में सब कुछ आ रहा था, याद है सब कुछ आ रहा था, क्या छोड़ करके मेडुला में क्या आ रहा था? मेडुला में बस दो चीज आ रही थी, एक तो लूप, लूप ऑफ हेनले या हेनले लूप, और दूसरी एंड कलेक्टिंग ट्यूबल्स, कलेक्टिंग ट्यूबल्स, है ना? ये बात अपन को याद है, मेडुला में सिर्फ दो चीजें आ रही थी, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल और कॉर्टेक्स में पीसीटी डीसीटी। अब समझना इस बात को, तो ये जो है, मुझे एक बात बताना, जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज है ठीक है, वो कहाँ आएंगी, कॉर्टेक्स में आएंगी या मेडुला में आएंगी? मुझे बताओ पीसीटी कहाँ पर आ रही थी, पीसीटी कहाँ आ रही थी? कॉर्टेक्स में, कॉर्टेक्स में, पीसीटी कॉर्टेक्स में आ रही थी, तो पीसीटी के अराउंड ही क्या है, पीसीटी के अराउंड ही क्या है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज है, तो वो भी कहाँ आएंगी? कॉर्टेक्स में। पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज भी कहाँ आएंगी? कॉर्टेक्स में ही आएंगी, ये भी कॉर्टेक्स में आएगी ठीक है। और ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स कहाँ आती है? ये आती है मेडुला में, मेडुला में आती है ठीक है, ठीक है मेडुला में आती है ठीक है। और ये बताओ जरा कि लूप ऑफ हेनले जो है वो कहाँ आती है? मेडुला में, वो भी मेडुला में आती है ठीक है। और ये बताओ जरा कि पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज यही है, ये लाल लाल, तो ये पेरिट्यूबुलर जो कैपिलरीज हैं ये ऊपर तो आई रही हैं, किधर आ रही है? ऊपर तो आई रही है वाली ठीक है, ऊपर ये वाला देखो, ये वाला पार्ट जो होगा ना यहाँ तक, ये वाला पार्ट जो होगा ये क्या होगा, ऊपर वाला कॉर्टेक्स, ये क्या है कॉर्टेक्स, यहाँ पर ये क्या होगा मेडुला होगा, तो मेडुला में देखो, मेडुला में भी आ रही है, कौन आ रही है? पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज मेडुला में भी आ रही है, तो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज भैया दोनों में आ रही है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज मेडुला में भी आ रही है एंड कॉर्टेक्स में भी आ रही है, कॉर्टेक्स में भी आ रही है। ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स किस में आ रही है? सिर्फ मेडुला में, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स जो है ये सिर्फ किस में आ रही है? मेडुला वाले पोर्शन में कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स आ रही है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स आ रही है मेडुला में आ रही है ठीक है। और ये बताओ जरा लूप ऑफ हेनले किस में आ रही है? मेडुला में, याली जो लाल ये ब्लू कलर की है लूप ऑफ हेनले किस में आ रही है? मेडुला वाले रीजन, मेडुला में, ये मेडुला लिख दिया मेडुला में ठीक है, ये लिख दिया मेडुला। और बताओ ये कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स किस में आ रही है? ये आती है कॉर्टेक्स में सर। कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स किस में आ रही है देखो, कॉर्टेक्स में। कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स यानी पीसीटी और डीसीटी, ये सारी क्या कहलाते हैं? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ये कहां आ रही है? पीसीटी, देखो पीसीटी ऊपर है यहाँ पर, पीसीटी ये है ना पीसीटी, पीसीटी और डीसीटी दोनों कहां आएंगी? ऊपर आएंगी, कहां पर? कॉर्टेक्स वाले रीजन में, मैंने बताया था ना कॉर्टेक्स वाले रीजन में सब कुछ आएगा, पीसीटी डीसीटी सब आएंगी, आएंगी कि नहीं आएंगी? तो ये बात ध्यान रखना, तो जो कॉर्टेक्स में सब कुछ होगा, पीसीटी डीसीटी सब कुछ होगा, बस लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट, साथ साथ कुछ पोर्शन किसका, एक और लिख दो, साथ साथ कुछ पोर्शन किसका? पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज का, किसका? पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज का कुछ पोर्शन, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज का कुछ पोर्शन ठीक है, वो भी किसमें आएगा? मेडुला के अंदर आएगा, बाकी सारी चीजें जो है किसके अंदर आएंगी? कॉर्टेक्स के अंदर है, आई बात समझ में? तो कॉर्टेक्स के अंदर सारी की सारी पीसीटी डीसीटी सारे के सारे कॉर्टेक्स में आएगी, लूप ऑफ हेनले मेडुला में आएगी, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स मेडुला में आएंगी, ये तीनों की तीनों चीजें मेडुला में आएंगी, बाकी सारी चीजें किसमें आएंगी? मेडुला ठीक है, बाकी सारी चीजें मेडुला में ही आएंगी, एक तो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, फिर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स और लूप ऑफ हेनले मेडुला के अंदर आएंगी, बाकी कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स हुए या जो आपके बोमेंस कैप्सूल हुआ है ना, जो भी बोमेंस कैप्सूल हुआ, ग्लोमेरुलस हुआ, मेलफिजियन बॉडी हुई, सब कुछ इसके अंदर आएगा, किसके अंदर आएगा? कॉर्टेक्स के अंदर, कॉर्टेक्स के। इसमें पूछा है कि रीनल पिरामिड या फिर मेडुलरी पिरामिड का कौन सा पार्ट नहीं है, नॉट अ पार्ट, नहीं, वो नहीं है यानी किसका पार्ट होगा? वो कॉर्टेक्स का पार्ट होगा, किसका पार्ट होगा वो? तो कॉर्टेक्स का पार्ट इसमें से कौन सा है? तो कॉर्टेक्स का जो कॉर्टेक्स में आते हैं कौन कौन आते हैं? पीसीटी आता है, डीसीटी आता है ना, और बोमेंस कैप्सूल, ग्लोमेरुलस है ना, ये सारे के सारे किसमें आते हैं? कॉर्टेक्स में आते हैं, किसमें आते हैं? ये कॉर्टेक्स में आते हैं।
तो ये जो है कॉर्टेक्स का पार्ट हो गया, है ना, ये बात ध्यान रखना। तो कॉर्टेक्स का पार्ट पूछा गया है, तो उसका आंसर क्या जाएगा, कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स पीसीडी और डीसीडी, क्योंकि ये कॉर्टेक्स का पार्ट है, मेडुला का पार्ट नहीं है। तो ठीक है, ये बात ध्यान में रखना।